नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं को आपको स्वागत है आपके ही चैनल पर। सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। आत्मा ही सत्य है और सत्य को पहचाने आत्मा को पहचाने परे आप ही आत्मा है। तो जो लोग इसको इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं उनके लिए नीचे यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप योगासन्स, फ्लेक्सिबिलिटी, चेयर पर बैठ करके एक्सरसाइज कैसे करनी है, साथ ही साथ रिलेशनशिप्स के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, डाइट के बारे में और सोने की कला, बहुत कुछ शेयर किया गया है। आप सब कुछ वहां पर जाकर के देख सकते हैं और औरों के साथ भी आप शेयर करें इन सारी चीज़ों का अगर आपको अच्छा लगे तो। आज के 215वें दिन के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा में कहते क्या हैं, देखें आगे बढ़ करके। बाबा कहते हैं, साक्षीपन की सीट द्वारा, साक्षी मतलब डिटैच होकर के देखने वाला, द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले। हम कहते हैं ना परेशान हो गए हैं, परमात्मा कहते हैं साक्षी हो जाओ, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा में जो भी हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिकालदर्शी तीनों कालों का दर्शन करने वाले। तो क्या आपको अपने पास जन्मों के पता है? क्या आपको अपने वर्तमान जन्म के बारे में करना क्या है पता है? क्या आपको भविष्य में क्या बनने वाले हो उसके बारे में पता है? ये सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के। तो अगर आपको इन सारी तीनों चीजों के बारे में पता चल जाए तो आप अपना भविष्य बना सकते हैं। कहते हैं ना, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, गलत है। आप अपने साथ में अपना मन, बुद्धि और संस्कार, हैबिट्स लेके आए थे पिछले जन्मों के। आप मतलब आप आत्मा, ये शरीर नहीं आपका, तो आप अपने साथ में वही सारी चीजें लेके जाएंगे। सारी चीजें खो जाएंगी आपके सामने, धन दौलत शायद ना रहे आपके पास में, लेकिन आपके संस्कार आपके साथ में, आपकी नम्रता, आपकी धैर्यता, आपकी सहनशीलता, आपकी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सारी चीज़ें, मधुरता, रॉयल्टी, ये सारे गुण आपके साथ में अगले जन्म में जाएंगे जो आपको अगले जन्म में मदद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये सारी चीज़ों को अपने लिए एक रत्न मानो। रत्न मतलब कि गहना मानो, धन दौलत को गहना ना मानो, इन चीजों को गहना मानो। तो आगे बढ़ के देखते हैं परमात्मा कहते क्या हैं। एक्सप्लेनेशन है बाबा का, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर आपने कुछ खोया तो आपका है क्या? वो नहीं है आपका, वो था क्या आपका? कुछ समय के लिए था, आप ट्रस्टी थे, खो दिया, अब क्या? आपने अपनी पेशेंस खोई, आपने अपनी शांति को खोया, तो आपने कुछ खो दिया। लेकिन वो धन दौलत अगर आपने खोई तो कुछ नहीं खोया आपने एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि वो इस धरती पर ही रह जाएगा। जिसने आपसे लिया है, छीन लिया, वो भी इस धरती पर ही छोड़ के जाएगा, तो किसी का कुछ भी नहीं है इस धरती में। तो बाबा कहते हैं, क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों हो गया, किसने कर दिया, इसका क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। भगवान अगर उनको समझदार कह रहे हैं जो कि क्यों, क्या, कैसे नहीं करते हैं, तो आज की दुनिया में हर कोई क्या करता है? क्यों, क्या, किसने, कहाँ, कैसे कर दिया? तो वो समझदार आए क्या? नहीं है, चाहे किसी भी उम्र के हों वो व्यक्ति। तो परमात्मा कहते हैं, नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। हम सोचते हैं कि भूकंप आया, हम सोचते हैं कि लैंडस्लाइड होगी, हम सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बुरा हो रहा है। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी चीज़ नेचर को भी क्या है कि कोई चीज़ वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करती है। हम मनुष्य ने अगर बिगाड़ दिया, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगी ही आएगी। तो अगर पानी पिघल रहा है और साथ ही साथ बर्फ पिघल करके साथ ही साथ पानी का जो है उसका जो लेवल ऊपर उठ रहा है, वो भी कुछ ही कारण से हमने बहुत ज़्यादा फैलाव करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नेचर को हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखें, अगर किसी तवे को भी आप गर्म करते हैं तो वो 24 घंटे गर्म नहीं रहता, वो भी ठंडा हो जाता है हटाने से आग के ऊपर से, तो वो अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाता है। इसी तरीके से हर चीज़ जो भी है, जो सब कुछ भी हो रहा है, अगर आपके हाथ से कुछ गया इसका मतलब वो आपका था ही नहीं, किसी और का था वो। तो परमात्मा कहते हैं उसमें भी कल्याण है, लेकिन आपने अगर पेशेंस खो दी, अगर आपने अपनी शांति खो दी, आप क्रोधी हो गए उस समय, आपको अहंकार आ गया उस समय, तो आपने खो दिया। लेकिन धन खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर आपने अपना मन की शांति खो दी तो सब कुछ खो दिया आपने। वो संस्कार आपके बिगड़ गए, वो हैबिट जो आप अपनी शांति के बढ़ाने से वो बिगड़ गए। फिर बाबा कहते हैं, नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है
तो अकल्याण हो नहीं सकता। किसी से संबंध बिगड़ गया आपका, आपको अगला अच्छा संबंध मिलने वाला है, कहीं से आपको नुकसान हो गया, आपको एक नया बिजनेस का आइडिया आ जाएगा, वो और अच्छा करने वाले हो आप उसके अंदर। आपने कहीं कुछ खो दिया अपना जीवन में, आपके लिए वो नई चीज़ आने वाली है, लेकिन फिर भी वो नई नई चीज़ें फिर भी हमें क्यों संबंध रखना, क्यों उनके ऊपर डिपेंड करना कि हाँ ये खो गए तो नया कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें खोते रहो और आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी, इसका ये भी मतलब नहीं है। आपको इच्छा मात्र अविद्या, किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रखनी है। जो इच्छा नहीं रखते उनके साथ में अच्छा होता है और उनको सब चीज़ अच्छी मिलती है, ये सीक्रेट है। जो इच्छाएं बहुत रखते हैं उनको नुकसान होता है, वो इस कलयुग में दुखी ज़्यादा होते हैं और दुख जो लेते हैं उसके द्वारा और दुख आता है। फिर बाबा कहते हैं, ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते कि मेरा कुछ गया ही नहीं, ये शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। परेशान किसी और की स्थिति की वजह से हमारी शान चले जानी, परेशान वो परी चीज़ है, पराया है, वो अपना नहीं है। तो मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा मेरा करते हैं तो अपनी शान गई, परेशान ये सब कुछ मेरा नहीं है, पराया है, तो मेरी शान जा ही नहीं सकती, मेरा कुछ नहीं, अपनी चीज़ों के साथ में लगा होता है, अपनी चीज़ों के साथ में दुख होता है ना, तो मेरा कुछ है नहीं अपना, तो मेरा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा और दूसरा ना कोई। यहाँ तक हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा कहते हैं, साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। आप साक्षी होकर के ड्रामा को देखो, जैसे परमात्मा पर बैठ करके इस ड्रामा को देख रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं मेरे बच्चे है ना, मैंने बनाया हुआ ड्रामा, लेकिन फिर भी कहते हैं ये मेरा ड्रामा नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। तो वो भी साक्षी होकर के देते हैं, हाय ये क्या हो रहा है धरती पर, हाय इसने ऐसे मर्डर कर दिया, हाय ये देश वालों ने उस देश वाले के ऊपर अटैक कर दिया, हाय हाय ये क्यों किया, हाय ये ऐसे कैसे किया, ये सब कुछ नहीं करते वो बैठ करके। तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इस धरती में, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इसमें साक्षी होने की प्रैक्टिस करो, तब जा करके मेरी जैसी स्थिति बनेगी, तब जा करके आप सही निर्णय ले पाओगे, आप पैनिक नहीं करोगे, आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। और वही तो है, यही तो प्रैक्टिस करनी है हमें, हम स्ट्रेस में नहीं आकर के हम कैसे डिसीजंस ले पाएं। फिर बाबा कहते हैं कि सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है, साक्षीपन की सीट, इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। खुद परेशान होते हैं, क्यों क्या किसने क्या किया, तो उसके और को भी तंग करते हैं, अरे किसने कर दिया ये, अरे कैसे कर दिया, आप देख रहे नहीं थे, आपको समझ नहीं थी उस समय, आपने चेक करना चाहिए था आपको, उसको कैसे कर नहीं दिया आपने, ये सारी चीज़ें जब आती है हम तंग करते हैं औरों को भी, खुद तंग होते तो और को भी तंग करते हैं। तो त्रिकालदर्शी क्या है, त्रिकालदर्शी जैसे आपको कहा, आपके पास्ट का जन्म, फ्यूचर में क्या आने वाला है, भगवान ने जब कुछ सीक्रेट बता दिया, आप इतनी ऊंची स्थिति में आप जाने वाले हो, स्वर्गवासी होने वाले हो, स्वर्गवासी मतलब ये नहीं कि ऊपर चले गए, स्वर्ग इस धरती पर ही था। तो परमात्मा कहते हैं उसकी तैयारी करो, पेशेंस को मत लूज करो, स्वर्ग में इम्पेशेंट लोग नहीं आते, स्वर्ग में क्रोधी लोग नहीं आते, अहंकारी लोग नहीं आते, लोभी लोग नहीं आते स्वर्ग में। तो अगर आप इन सारे संस्कारों के साथ हो, जो कि नेगेटिव संस्कार हैं, आप सोच लेना आप कहाँ जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं इन चीज़ों को आप समझो, और अगर आपके पास में कोई सजेशंस हैं और अगर आपके पास में कोई और कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर आपको ये अच्छा लगे तो और के साथ भी शेयर करिए। और आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ओम शांति।